महकमा सेहत का लाहौर में मजीद एक हफ्ता ओपीडी इलेक्टिव सर्जरीज बंद रखने का फैसला। 27 अप्रैल तक ओपीडीज और इलेक्टिव सर्जरीज बंद रखी जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वीसीज को मुरासला लिखा गया है। प्रिंसिपल सरब्राहान और एमएस को भी मुरासला जारी कर दिया गया है। उस्मान अलीम से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान, बताएगा वजूहात क्या बताई गई हैं? जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने लाहौर समेत कोरोना के ज़्यादा केसेस वाले मजीद 7 अज़ला में एक हफ्ते के लिए ओपीडीज बंद और इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं वो बंद करने का फैसला किया है और इसी हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे कबल ये ओपीडीज जो हैं वो बंद की गई थी और इसमें अब मजीद एक हफ्ते की तोसी जो है वो की जा रही है, जिस हवाले से महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम जो हस्पताल हैं उनके MS साहिबान और यूनिवर्सिटीज़ के VCs और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स को जो मरासला है वो भी जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से लाहौर में 7 अज़ला में कोरोना केसेस में कमी नहीं आई, जिसके पेश नज़र ये फैसला जो है वो किया गया है। ओपीडीज़ में ENT, ऑप्थोमोलॉजी, डर्माटोलॉजी और डेंटिस्ट्री सर्विसेज जो हैं वो मजीद एक हफ्ता 27 अप्रैल तक जो है वो मुअत्तल रहेंगी और इसी हवाले से महकमा सेहत का ये कहना है कि 27 अप्रैल को दोबारा इसका जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ये सर्विसेज बहाल करने या बंद रखने का फैसला जो है वो किया जाएगा। 27 अप्रैल को दोबारा जायजा लिया जाएगा। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया।